राजधानी पटना से सटे गंभीर रूप से जख्मी युवक को अनिजाबाद के अलीनगर के पीछे रेलवे ट्रैक से फुलवाड़ी शहरी पुलिस ने बरामद किया, जहां एम्स चिकित्सकों ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले में युवक की बहन खुशबू ने पुलिस को बताया उसके भाई युवराज का सर कुचलकर उसके प्रेमिका के घर वालों ने रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है। परिजनों ने बताया कि वह लोग मूल रूप से अरवल जिले के कलेर सिमरिया के रहने वाले हैं, फिलहाल गर्दनीबाग के पंजाबी कॉलोनी में किराए के मकान में रहते हैं। मृतक युवराज का किराना दुकान जिस मकान में चलता है, मकान मालिक के बेटी के साथ ही प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी परिजनों को लग गई थी। इसलिए मकान मालिक के द्वारा बार बार बहन खुशबू और माँ उर्मिला को दिया जाता रहा है। बहन खुशबू ने बताया कि शाम 5 बजे किसी ने सूचना दिया कि उसके भाई का हत्या कर शव को अलीनगर ट्रैक पर फेंक दिया गया है। घटना की पुष्टि करते हुए सचिवालय एसपी ने बताया कि मामले की पुलिस जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। राधा लड़के के साथ घूमने गया और घूमला के बाद में और उसके घर वाला देख लेता, पहले से बात कर रहा था तो उसका चाची बहुत माँ थे तो बोली कि मरवा देंगे अपना भाई के, तुम अपने मेरी बेटी बतिया रही है। काल घूमे गया, आज हम 1 बजे भाई आपके भाई का नाम युवराज नाम है, पंजाबी पहले लड़की का बाप का नाम कौन सा है, हम लोग अभी रहते हैं वहाँ अलकापुर भाई का रहता है, मेरा भाई का दुकान किराना दुकान यहाँ पे है, लड़की के घर पे पंजाबी कॉलोनी में चितकोड़ा पंजाबी कॉलोनी जो है ना द्वारा से आगे छोटा मंदिर वहाँ पे।